नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे लाभार्थियों से बात, ये बड़ी खबर आपको बता रही। राज संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री बात करेंगे। पीएम महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ भी करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि सहायता समूहों को 15,000 ड्रोन दिए जाएंगे। जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 25,000 होगी। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात करेंगे पीएम। महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा सहायता समूह को 15,000 ड्रोन दिए जाएंगे और साथ ही जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 25,000 की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाभार्थियों से बात करेंगे। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जहां एक तरफ लाभार्थियों से बात करेंगे, तो साथ ही साथ आपको बता दें कि संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात करेंगे। पीएम महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से। शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन आज सदन में अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। प्रश्नकाल के बाद अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। सत्र के दौरान भारी हंगामे के आसार भी लगाए जा रहे हैं, जहां अब से कुछ ही देर में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अब से कुछ ही देर में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होगी। आज भी रहा हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार एक तरफ विपक्ष अनुपूरक बजट को लेकर सरकार का घेराव कर रहा है। आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। कल बजट पेश किया गया था, आज अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। और उस दौरान सत्र में भारी हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार अनुपूरक बजट को लेकर सरकार का घेराव कर रहा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़े। टीएन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है, आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का बीते दिन भी रुख देखने को मिला था, प्रदर्शन उन्होंने किया और आज अनुपूरक बजट पर जोरदार हंगामा। हाँ, देखिए जागृति सही है कि आज तीसरा दिन है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज जो है विपक्ष का अपना मुद्दे उठाएं, लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ के बाहर कई कार्यक्रम लगे हैं, इसलिए उनकी चर्चा जो है नहीं उस पर करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव तभी बोलेंगे जब सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में होंगे। तो आज वो सदन में नहीं है रहेंगे, इसलिए उम्मीद नहीं है कि अखिलेश यादव भी कुछ बोलेंगे। और आज जो है सिर्फ विधायकों की जो सवाल जवाब होंगे और उस पर सरकार की तरफ से जवाब दिए जाएंगे। तो यह है कि आज हंगामा जो उम्मीद थी वो इसलिए नहीं हो रहा है कि खुद सीएम आज जो है कई कार्यक्रमों में बाहर लखनऊ से बाहर हैं, तो शाम को आएंगे। इसका मतलब सदन में आज सीएम के ना होने से और स्वयं जो है वो अखिलेश यादव भी सदन में आने की उम्मीद बहुत कम है। अभी उनके जो है दूसरे विधायकों ने आकर के शिवपाल यादव ने भी कहा है कि वो सदन में जो है जाति जनगणना के मुद्दे पर सबको घेरेंगे और जाति जनगणना में चाहेंगे सब लोग उनके साथ दें। तो ये सब मुद्दे उठ रहे हैं और जो विकास के मुद्दे हैं, जहाँ तक अनुपूरक बजट की बात है, तो अनुपूरक बजट पर लगातार जो है चर्चा चल रही है और अनुपूरक बजट पर विपक्ष विरोध कर रहा है। वो कह रहा है कि अनुपूरक बजट की जरूरत क्या थी जब आप अपना सामान्य बजट खर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये सवाल उठ रहे हैं, अब इसका जवाब खुद सीएम योगी जब सदन में देंगे तब उसमें पता चले क्या है। लेकिन हकीकत जरूर है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी सदन नहीं रहेंगे और जो है अखिलेश यादव भी आने की उम्मीद कम है। तो आज सिर्फ विधायक सवाल उठाएंगे और मंत्री उसका जवाब देंगे। जी जागृति, बिल्कुल। देखिए टीन, और जिस तरीके से आपने कहा कि अनुपूरक बजट को लेकर के सरकार का घेराव किया जा सकता है, इसके अलावा जातीय जनगणना का मुद्दा भी आज विपक्ष उठा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह भी कि जिस तरीके से विपक्ष का लगातार सवाल है कि जब सामान्य बजट खर्च नहीं हुआ तो अनुपूरक बजट की क्या जरूरत आन पड़ी। हालांकि सरकार इस पर साफ तौर पर कहती नजर आ रही है कि जो तमाम विकास कार्य हैं उनको गति मिलेगी, क्योंकि अभी उनको पूर्ण होना है। हाँ, ये सही है। देखिए जागृति, चीज़ बात क्या है कि सरकार ने जो योजनाएं बनाई थी उन योजनाओं को उसको पूरा जो बजट पहले घोषित किया था उस पर उसका मानना काम पूरा नहीं हो पाएगा, उसके लिए अनुपूरक बजट लाएंगे। अब अनुपूरक बजट में क्या है, एक
1095 करोड़ रुपए तो बिजली का बजट है, 4406 करोड़ का सड़कों के लिए, कल पुलों के लिए है, 900 करोड़ रुपये किसानों और नलकूप के लिए है, 550 करोड़ चीनी मिलों बकाया भुगतान के लिए, 100 करोड़ अयोध्या के विभिन्न कार्यों का है, 15-24 करोड़ भारत मिशन के लिए है, तो इस और 1000 करोड़ रोडवेज बसों के बस बेड़े के लिए है, 450 करोड़ पूर्वांचल विकास नीति के लिए है। तो ये सब बजट की धनराशि इतनी ज़्यादा थी कि अगर अनुपूरक बजट नहीं लाते तो विभागों को पैसा नहीं मिल पाता था। तो ये सब कुछ मिला करके ये सरकार का कि वो अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रदेश का विकास तेज करना चाहती, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, उसे 80 सीटें जीतने का अपना टारगेट बना रखा है। तो ये टारगेट पूरा करने के लिए जनता में दिखाना भी पड़ेगा कि डेवलपमेंट हुआ है, सिर्फ विकास कहने से नहीं हो जाएगा, विकास धरातल पर होगा तभी लोग मानेंगे। तो उसको पूरा करने के लिए अलग से पैसा इंतजाम करना पड़ा, तब ये जो है 42,000 करोड़ का बजट जो है ला रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए टीएन, कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी जिस तरीके से अनुपूरक बजट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, और अब तक का ये सबसे बड़ा अनुपूरक बजट रहा है। ऐसे में जिन तमाम विकास कार्यों को गति देने का दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है, आखिर वो कितने जल्द पूर्ण हो पाते हैं अनुपूरक बजट के बाद, और जो तमाम विभाग है जो कहीं ना कहीं बीते समय में भी काम को सही ढंग से कर नहीं पाए, चाहे वो तमाम जो सड़कें हो जिनको गड्ढा मुक्त करने की बात कही गई है, ये तमाम जो ऐसी परियोजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं रुकी हुई है, अब उनको गति मिले और कितनी तेजी से वो पूर्ण हो पाए। हाँ, ये सही देखिए जागृति क्या है, जितनी तेजी से काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। सरकार जो चाहती है जितना सब मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं उनका उसको उस तरह अनुपालन नहीं हो पा रहा, उनके ही मंत्री उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। जो पीडब्ल्यूडी विभाग सबसे बड़ा विभाग, नगर विकास जो सबसे बड़े विभाग, जिनको सड़कें बनानी है, जिनको सड़कें पूरी करनी, सेतु निगम, ये जो है उनके अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर रहे हैं। दावे तो बहुत किए जा रहे हैं लेकिन अभी हजारों सड़कें ऐसी हैं, राजधानी जैसे में तमाम में सैकड़ों सड़कें हैं जहाँ पे गड्ढे एकदम भरे हुए हैं, तो लोगों का चलना दूभर है। तो ये जहाँ तक सड़कों की बात है, सड़कें अभी गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई, जबकि मुख्यमंत्री 7 साल से लगातार कह रहे हैं सड़कें गड्ढा मुक्त हों, तो विपक्ष इसका मजाक बनाता है कि ऐसा कैसे गड्ढा मुक्त होगा, तो अब गड्ढा युक्त सड़कें बताने लगे विपक्ष के लोग। तो इन सब मुद्दों को लेकर अगर सरकार को पब्लिक में भरोसा बनाना है तो विकास दिखाना पड़ेगा। लाइन आर्डर के पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार कहती है लाइन आर्डर बहुत अच्छा, लेकिन विपक्ष कहता है लाइन आर्डर ठीक नहीं है। तो इन सब मुद्दों कल भी अखिलेश यादव ने तंज किया, स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि पैसा अरबों रुपए खर्चा किया जा रहा है लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को जो उम्मीद है उस हिसाब से स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को नहीं मिल पा रही। तो सरकार को इन कसौटियों पर खरा उतरना होगा और सब दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम काम कर रहे हैं, और पब्लिक को भरोसा होगा तभी वो लोकसभा में 80 सीटें दे पाएगी। जी बिल्कुल ठीक है, ये भी जानना चाहेंगे आखिरी में कि जिस तरीके से आपने बताया जातिगत जनगणना और जो अनुपूरक बजट है उसको लेकर तो सरकार का घेराव किया जाएगा, इसके अलावा और कुछ अन्य मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर आज विपक्ष हंगामा कर सकता है? देखिए विपक्ष लगातार आरएलडी है, गन्ना के भुगतान के लिए मांग कर रहा, सपा जो है स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार उठा रही, स्वास्थ्य सेवाएं जो है सही नहीं है, और तमाम जो है कल भी मुद्दा उठा था जातीय जनगणना का मुद्दा तो है ही कि सभी लोग, कल केशव मौर्य ने खुद घोषणा की कि वो जातीय जनगणना के पक्ष में है लेकिन एक काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो इससे थोड़ा और हवा मिल गई है कि भाजपा जो डिप्टी सीएम ने कह दिया कि जातीय जनगणना के पक्ष में है, तो इससे उनको जो थोड़ा बल मिल गया विपक्ष को कि देखिए आपकी पार्टी भी जातीय जनगणना की बात कर रही है। तो ये सब विकास के मुद्दे और जो है सेवाओं के मुद्दे, और प्लस क्या है कि अभी क्या है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, शहर में डेवलपमेंट लेकर के, लाइट्स को लेकर के, यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री परसों जिस तरह शहर से रात गुजरे थे तो वहाँ कल पूरी रात कमिश्नर और डीएम लाइट लगवाने में लगे रहे। तो सोचने के बाद जो राजधानी के इलाके हैं अभी वो विकास से छूते हैं तो हम गांव देहात और दूसरे प्रदेशों की क्या बात करेंगे, तो दूसरे जिले जो हैं उनकी हालत जो है वो और बदतर है। तो इनको देहप्रत करने के लिए सरकार को कदम उठाने होंगे और प्रशासन को कड़े मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जो है चुनाव के पहले ये कुछ कर पाएंगे। जी बिल्कुल टीएन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है, आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, तो वही सदन में आज हंगामे के आसार भी लगाए जा रहे क्योंकि प्रश्नकाल के बाद अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और विपक्ष इसको लेकर लगातार सरकार का घेराव कर रहा है, सरकार पर हमलावर है। और रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, गोरखपुर से बड़ी खबर, गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, बड़ी खबर बड़ी जानकारी, औद्योगिक विकास के नए अध्याय का शुभारंभ करेंगे, बड़ी खबर निजी निवेश परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, इसके अलावा 800 करोड़ के निजी निवेश परियोजनाओं के लिए निवेश के लिए भूखंडों का भी आवंटन किया जाएगा, अवस्थापना विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 150 करोड़ का अवस्थापना
विकास कार्य होना है, बड़े उद्यमियों के साथ बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री। इसके अलावा प्रगति मैदान की तर्ज पर 4 दिनी ट्रेड शो भी होगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी गोरखपुर से आपको बता रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं, तो वहीं अपने इस गोरखपुर दौरे के दौरान जहां वो तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, इसके अलावा कई उनके कार्यक्रम भी आज हैं जहां वो शामिल होंगे। खासतौर पर अगर आपको बताएं तो निजी निवेश परियोजनाओं का आज वो लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा 800 करोड़ के निजी निवेश परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। निवेश के लिए नए भूखंडों का भी आवंटन किया जाएगा। अवस्थापना विकास कार्यों का शिलान्यास होगा। इसके अलावा 150 करोड़ का जो अवस्थापना विकास कार्य है उसका शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बड़े उद्यमियों के साथ आज वो बैठक भी करेंगे और दिल्ली के प्रगति मैदान की तर्ज पर 4 दिन का कार्यक्रम भी रखा जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, औद्योगिक विकास के नए अध्याय का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़े। सुभाष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं और तमाम ऐसे जो परियोजनाएं हैं जिनका आज लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, जागृति बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा गोरखपुर में है। वो लगभग 3 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे और गीता के स्थापना दिवस यानी कि 34वें स्थापना दिवस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शिरकत करने वाले हैं और लगभग 800 करोड़ इन परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास ही करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि लगभग 54 उद्यमियों से आज उनकी जो है मंत्रणा होगी, वो बातचीत करेंगे और उद्यमियों को ये समझाएंगे कि आप यहाँ पे किस तरीके से निवेश करें। और साथ ही जो है 500 करोड़ रुपए की भूमि का आवंटन होगा। ये सभी कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे। आपको बताते चलें कि यह कार्यक्रम लगभग 3 बजे होगा और यह कार्यक्रम इस बार, हर बार जो है 1 दिवसीय होता था, लेकिन इस बार इस कार्यक्रम को जो है 4 दिन के लिए कर दिया गया है। इसमें तमाम जो है देश के उद्यमी भी पहुंचेंगे जो इस कार्यक्रम में जो है निवेश करेंगे, उसको लेके जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज बैठक भी होने वाली है। जी बिल्कुल सुभाष, देखिए ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि जो तमाम बड़े उद्यमी हैं उनसे भी वो बैठक करेंगे, उनके साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे, तो जिस तरीके से लगातार वो गोरखपुर को हर बार अपने दौरे के दौरान जहां कई योजनाओं परियोजनाओं के सौगात देते हैं, तो ये माना जाए कि जो इस बार उनकी बैठक रहने वाली है इससे भी जो तमाम विकास कार्य हैं या आगे गोरखपुर के विकास के लिए एक नए रास्ते का जो है एक नया रास्ता गोरखपुर के लिए बनने जा रहा है। जी बिल्कुल जागृति, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल लगभग 6 साल हो चुका है और इसके पहले भी वो मुख्यमंत्री थे। तो गोरखपुर में जब से वो मुख्यमंत्री हैं तब से विकास की गंगा बह रही है और आपको ये भी बता दें कि जब भी वो गोरखपुर आते हैं तो तमाम सौगात देते हैं और यहाँ पे तमाम डेवलपमेंट का काम हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के साथ जो आसपास के जिले हैं, पूर्वांचल हैं, उस पे खास उनकी नजर रहती है और तमाम जो है विकास की जो यहाँ परियोजनाएं हैं उसको वो जो है यहाँ पे गति देते चले आ रहे हैं। जी बिल्कुल सुभाष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे। 800 करोड़ के निजी निवेश परियोजनाओं की सौगात आज गोरखपुर को दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि इन तमाम निवेशों के लिए नए भूखंडों का आवंटन भी किया जाएगा। रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, लखनऊ से बड़ी खबर। 2024 चुनाव से पहले बीएसपी की बड़ी बैठक। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज बुलाई बड़ी बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पदाधिकारियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। आपको बता दें कि चुनाव की तैयारी, उम्मीदवारों के चयन पर इस बैठक में चर्चा होगी। है बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो 2024 चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बुलाई बड़ी बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। आपको ये भी बता दें कि यूपी उत्तराखंड के तमाम जो पदाधिकारी हैं उन्हें भी इस बैठक में बुलाया गया और ऐसे में इस बैठक में जहां
चुनाव में किस तरह से रणनीति पार्टी की रहेगी उस पर चर्चा होगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी की बड़ी बैठक। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े। तौकीर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ी बैठक बुलाई है, तमाम पदाधिकारियों को भी इस बैठक में न्योता दिया गया है, किस वक्त ये बैठक शुरू होगी? देखिए, पांच राज्यों के चुनाव अभी हो रहे थे, वहां पर मायावती का काफी सक्रिय भूमिका में नजर आई, कई जगह पर उन्होंने रैली की, लगातार कार्यक्रम किए, और इसके बाद अब जो सभी पार्टियों के लिए जो नेक्स्ट जो ये कह सकते हैं अगला कदम जो है वो लोकसभा चुनाव की तैयारी है, इसी के चलते मायावती ने भी आज बड़ी बैठक बुलाई है। उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड के जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। खास बात है कि मंडल कोऑर्डिनेटर के साथ ही जो जिला अध्यक्ष हैं और इसके अलावा जो दावेदार हैं कह सकते हैं जो लोकसभा के, उनको भी इस बैठक में शामिल करने के लिए कहा गया है। 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस में यानी कि बाबा भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई जाती है, इस वजह से भी उसकी तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी, और इसके अलावा जो फीडबैक है जिलों का, बसपा का जो कैडर वोट है उसको कैसे समेट के रखना है, और उसके अलावा जो तैयारियां चल रही हैं बसपा की तरफ से उसको लेकर आज मंथन होगा, और जरूर आने वाले समय के लिए रणनीति भी तैयार होगी। बिल्कुल तौकीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीधा आपको लिए चलते लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव कृषि और प्रदेश में सभी कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी श्री देवेश चतुर्वेदी जी, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री अमृत अभिजात जी और प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, विकसित भारत हम सबके जीवन का संकल्प बने, इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो एक माहौल बनाया है उससे जुड़ी हुई केंद्र और राज्य सरकार से जुड़ी हुई सभी योजनाएं, उनमें सहायक बनी और बनने के साथ आज उनका एक भव्य स्वरूप हम सबको देखने को मिल रहा है। उस भव्य स्वरूप का दर्शन देश कर सके और उनके मन में भी इस बात का एहसास हो सके कि हां, आने वाले 25 वर्ष की कार्य योजना भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने की संकल्पना है और हम सब का भी उसमें योगदान होना है। इसी उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रारंभ हुआ था और आज पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी स्वयं इससे जुड़े हुए कार्यक्रमों के साथ संवाद बनाने वाले हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस अवसर पर उपस्थित आप सभी लाभार्थियों का और उपस्थित बंधुओं का, बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं हमारे यहां कोई भी अनुष्ठान होता है तो अनुष्ठान की शुरुआत ही स्वच्छता के बाद संकल्प के साथ होती है। एक संकल्प होता है, क्या हमारा संकल्प है, क्या हम किस कामना के साथ पूजा करते हैं, किस कामना के साथ हम कार्य करना चाहते हैं, वह एक संकल्प है। व्यक्तिगत जीवन के संकल्प के साथ राष्ट्रीय जीवन का भी हमारा संकल्प बनना चाहिए और वह संकल्प होना चाहिए हमारा देश विकसित भारत बने। विकसित भारत का मतलब जिसमें हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आ सके, उसकी आय को कई गुना बढ़ाया जा सके, कहीं भी दुख और किसी भी प्रकार के अभाव की स्थिति न होने पाए, लोगों के जीवन में कहीं भी कोई समस्या न खड़ी होने पाए, और इसके लिए आपने देखा होगा किस तरीके से कार्यक्रम हुआ। भाइयों बहनों, यह देश कहने के लिए तो 1947 में आजाद हुआ, लेकिन 1947 के बाद भी तो देश के अंदर सरकारें थी,
और ये सरकारें लगातार काम किए होंगे, देश का पैसा भी खर्च किए होंगे, देश के बारे में सोची भी होंगी, लेकिन दुनिया में भारत की छवि कैसी बन गई थी, भारत के बारे में लोगों की धारणा क्या थी 2014 के पहले और 2014 के बाद, आज हम देख सकते हैं। दूसरा, ये जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय उपलब्ध, हर गरीब परिवार के घर में शौचालय उपलब्ध कराने की योजना हो, जनधन अकाउंट की योजना हो, आयुष्मान भारत की योजना हो, पीएम स्वनिधि योजना हो, ग्रामीण क्षेत्र में पीएम स्वामित्व की योजना हो, मुख्यमंत्री आवास की योजना हो, हर गरीब के पास अपना राशन कार्ड हो, या फिर और भी तमाम अन्य योजनाएं जितनी भी हैं, योजनाएं पहले क्यों नहीं चली? देश तो वही है, आय के स्रोत भी वही है। ऐसा नहीं कि मोदी जी के आने के बाद कोई अलग से कुबेर का खजाना फूटा हो और मोदी जी ने वहां से लाकर बांटना शुरू कर दिया, नहीं। तो तस्वीरें आपने देखी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।